हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्लास सेकंड में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हमने हिंदी व्याकरण में सबसे पहले क्या पढ़े थे। भाषा, भाषा यानी एक दूसरे से बोलना, चलना, सुनना, ये हमने भाषा में पढ़े थे। उसके बाद में भाषा के कितने प्रकार थे, दो, मौखिक और लिखित, ये। उसके बाद में हमने इसके प्रश्न उत्तर भी लिखे थे कि भाषा किसे कहते हैं, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं, है ना, उनको भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के विकल्प और ये सब हमने लिख चुके थे। अब आता है पार्ट दो, वर्ण। वर्ण में मैंने आपको ये पढ़ा चुकी थी कि सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे। और किसी बच्चों, मतलब कई बच्चों ने तो वीडियो इतने सुंदर भेजे हैं कि उनको एक्सीलेंट मैंने दी थी, और फिर से मैं उन बच्चों को एक्सीलेंट बोलूँगी क्योंकि वीडियो समय निकालते हुए भेज रहे हैं, और बाकी जो बच्चे नहीं भेज रहे उनको स्टार नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ आप वीडियो सेंड करें तो स्टार भी देंगे और हम आपको एक्सीलेंट भी देंगे। ओके, अब हम ध्वनि और वर्ण पढ़े थे कि जोड़ के कैसे बनाया जाता है। फिर उसमें व्यंजन पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये। उसके बाद में फिर अब हम आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपकी बुक है, उसमें आपको ये प्रश्न के उत्तर देख के लिखना है वीडियो से। तो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि, ये है ध्वनि, ध्वनि की सबसे, ध्वनि की सबसे छोटी छोटी इकाई, छोटी इकाई को, छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ओके, तो यह है प्रश्न का उत्तर कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सेकेंड प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। अब स्वर में जैसे जिन वर्णों, जिन वर्णों, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी किसी अन्य वर्ण, अन्य वर्ण की सहायता से, की सहायता से, सहायता की सहायता से, सहायता के बिना, बिना होता है, होता है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, है ना। जिन वर्णों, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ओके, ये है। अब उसमें से मतलब ये प्रश्न का उत्तर है कि कैसे किसे कहते हैं, ये आप दो प्रश्न देख लीजिए। ये बोर्ड पर मैंने दो प्रश्न लिखे हूं, आप उसको देख लीजिए कि ये कैसे लिखे हैं ना। सबसे पहला वर्ण किसे कहते हैं, दूसरा है स्वर किसे कहते हैं। अब स्वर में
जो भी है ये, तो स्वर किसे कहते हैं, तो ये आप देखेंगे। तो ये प्रश्न का उत्तर था। उसके बाद में इस प्रश्न में ये भी पूछा गया था कि स्वर किसे कहते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो स्वर में जैसे आपको बता था, मैंने पढ़ाई थी अ आ ई ई ये स्वर है ना, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये स्वर मैंने आपको पढ़ाई थी। अब इसके बाद में प्रश्न आप तीसरा, तो प्रश्न तीसरा क्या है कि व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, व्यंजन किसे कहते हैं, हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि व्यंजन प्रश्न, ये है तीसरा, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है आपका। अब इसका उत्तर है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता स्वर की सहायता से किया जाता है, से किया जाता है, है उन्हें उन्हें व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर है ना, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ये प्रश्न तीसरा। अब प्रश्न चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए, समझाइए। ओके, ये प्रश्न है ना। अब इसका उत्तर है ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें
व्यंजन, कहते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये प्रश्न का आपका उत्तर है और उदाहरण है श बराबर क, क्या होगा श बराबर क, श षटकोण का श। ओके, ये उदाहरण है। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हुए। प्रश्न तीसरा, व्यंजन किसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे श बराबर क यानी बराबर स, ऐसा। तो ये धन श, तो ये उदाहरण है उसका। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आप अपनी बुक में लिख लेंगे। ओके, इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी बुक में लिख के ये आपका होमवर्क है। ये मुझे वीडियो सेंड करेंगे कि आप उन प्रश्नों के उत्तर को इस बुक में लिख लिए हैं और उसके बाद आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आप देखिए कि यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। दो प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको अपनी बुक में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।